विधानसभा चुनाव से ठीक 10 महीने पहले दो संसदीय और एक विधानसभा चुनाव में हार का सदमा झेल रही भाजपा डैमेज कंट्रोल में लगी है, लेकिन बातें अभी सिरे नहीं चढ़ पा रही। उपचुनाव के नतीजों ने भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का संदेश तो दिया भी, लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी के कारण अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं है। मंत्री और भाजपा के कुछ नेता ब्यूरोक्रेसी के निरंकुश होने की बात करते हैं, तो कार्यकर्ताओं का कहना है कि मंत्री उन्हें भाव ही नहीं देते। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से नौकरशाही के साथ राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं जोरों पर रही, लेकिन लगता है कि मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर भी भाजपा नेतृत्व को कोई अदृश्य भय सता रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि प्रदेश में आगामी नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मंत्रिमंडल में फेरबदल एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, इसलिए ही शायद भाजपा नेतृत्व कोई फैसला नहीं कर पा रहे। प्रस्तावित मंत्रिमंडल फेरबदल में कुछ मंत्री विधायकों का कद बढ़ाकर जातिगत समीकरण साधना एक बड़ा मकसद हो सकता है, लेकिन जिनका कद घटाया जाना है उनकी संभावित नाराजगी ने इन चुनावी साल में भाजपा आलाकमान को असमंजस में डाल दिया है। मसलन दो उप मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है, ये विशुद्ध रूप से जातिगत आधार पर तय होना है। इसमें ये बात सामने आ रही है कि एक ब्राह्मण और एक राजपूत नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कुछ नाम भी सामने आए, लेकिन इनके प्लस माइनस ने मामला उलझा रखा है। मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं के बीच इन दिनों भारतीय भवन की ओर से भी नेताओं और कार्यकर्ताओं की आवाजाही लगातार देखी जा रही है। कारण साफ है कि बिना आरएसएस की मदद के भाजपा की चुनावी वैतरणी पार लगनी मुश्किल है। अब तक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने हिसाब से ही फेरबदल करने में कामयाब रही, यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में भी उनकी मर्जी ही चली। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस बार भी वसुंधरा को ऐसा ही फ्री हैंड मिल पाएगा। यदि ऐसा होता है तो भाजपा आलाकमान को वांछित फायदा मिलने से शंका नजर आ रही है, और नहीं होता है तब भी दिक्कत कम नहीं होगी।